हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और स्टूडेंट, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल हैव सेंड योर होमवर्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग डेली और रेगुलरली अपना काम कर रहे हो, ठीक है। डाउट्स भी पूछ रहे हो, तो ऐसे ही करते रहें स्टूडेंट, कीप इट अप, ठीक है। आपको दोबारा इन कंटेंट्स को देखने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी, अगर आप ढंग से इन वीडियो लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो और ढंग से अपने नोट्स को पढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जिन जो सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देख पा रहे हैं, नोट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे जिनके पास, जो मेरे से व्हाट्सअप से कनेक्टेड नहीं है, वो स्टूडेंट प्लीज़ आप कमेंट करें मुझे कमेंट बॉक्स में। तो जिस भी वीडियो लेक्चर का आपको नोट्स चाहिए, तो मैं आपको रिटर्न नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप ढंग से अपने घर पर बैठ कर पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट। तो बेटा, कोई भी परेशानी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस डेली पढ़ते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट, हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आज डेट है 8th of May 2020, ठीक है। और टॉपिक चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 10 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 चल रहा था, गवर्नमेंट बजट, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर हमने सीखा था बेटा रिवेन्यू डेफिसिट। तो अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख लो, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट का, ठीक है ना। आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स फिस्कल डेफिसिट। क्या करने वाले हैं? फिस्कल डेफिसिट। अच्छा, क्या है ये फिस्कल डेफिसिट? ये इसका मतलब मैं आपको समझाऊं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेफिसिट मतलब कमी, आप समझ रहे होंगे ना, जिसके अंदर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिसिप्ट कम है। तो अब कौन से एक्सपेंडिचर ज़्यादा और कौन से रिसिप्ट ज़्यादा है, ये देखिए। फिस्कल डेफिसिट इक्वल किसके बराबर होता है? टोटल एक्सपेंडिचर। जाहिर सी बात है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। ये रिवेन्यू डेफिसिट के अंदर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट थी, तो फिस्कल डेफिसिट के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ठीक है, जो भी रिसिप्ट है टोटल वो है। अच्छा, अब एक्सपेंडिचर के अंदर, टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर आपको पता है स्टूडेंट्स दो चीज़ें आती हैं, कौन सी? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दो चीज़ होगी। और टोटल रिसिप्ट के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? टोटल रिसिप्ट के अंदर होगा रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, ये दो चीजें आएंगी। पर क्या यहां पर इस कैपिटल रिसिप्ट के अंदर ध्यान करो, कैपिटल रिसिप्ट दो ही चीजों से आती थी, या तो आपने कोई एसेट्स बेचा हो या आपने कहीं से कोई उधार लिया हो। तो इसमें जो उधार है यानी कि बोरोइंग, उधार है यानी कि बोरोइंग, वो शामिल नहीं है, बोरोइंग इसमें शामिल नहीं है। उसका कारण है, उसका क्या है? कारण है, जैसे मान लो ये आपके खर्चे हैं, ठीक है, खर्चों को आप कहाँ से अपना पुगाओगे, कहाँ से पूर्ति करोगे खर्चों की? अपनी कमाई में से। अब चलो मान लो ये तो आपकी कमाई है, रिवेन्यू डेफिसिट, इसके लिए आपने ना कुछ बेचा है ना किसी से उधार लिया, ये आपकी कमाई है। और ये कैपिटल रिसिप्ट में एक चीज आती है स्टूडेंट एसेट, और एक आता है बोरोइंग। या तो आपने एसेट को बेचा है या आपने किसी से उधार लिया है। तो एसेट को बेच दिया तो बात ही नहीं है कुछ, एसेट बेच दिया, पैसे ले लिए, अब वो पैसे आपके हैं, आपसे कोई नहीं छीनेगा वो, ठीक है ना, वो भी एक तरीके की मेरी कमाई मान लो, तो मैंने लेस कर दिया। पर ये जो बोरोइंग है ये मेरे पैसे थोड़े ना है, हाँ एक समय के लिए मैंने वहां से ले लिए, लेकिन चुकाने तो पड़ेंगे, समझ रहे हैं ना भाई। एसेट में सामान बेचा, पैसे अपने हो गए, लेकिन बोरोइंग में अगर मैं पैसे ले रहा हूं तो चुकाने भी तो पड़ेंगे, मेरे थोड़ी ना हुए, इसलिए इसके अंदर बोरोइंग नहीं आती। अब तो इसको मैं इस ढंग से भी लिखता हूं कई जगह, कैसे कि भाई एफडी यानी कि फिस्कल डेफिसिट, यानी कि फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में जैसा कि मैंने अभी बताया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है,
माइनस टोटल रिसिप्ट्स। टोटल रिसिप्ट के अंदर रिवेन्यू रिसिप्ट्स आएगा प्लस कैपिटल रिसिप्ट आएगा, ठीक है ना। पर जो कैपिटल रिसिप्ट है इसमें आप एक ब्रैकेट में बात और लिख दोगे, क्या लिख दोगे, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, कि बोरोइंग इसके अंदर शामिल नहीं है। मतलब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है या टोटल रिसिप्ट में क्या क्या आता है। आप टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट लिख सकते हैं और इसके ब्रैकेट में लिख देना एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो ये फाइनेंशियल डेफिसिट का मतलब होता है कि टोटल खर्चों में से टोटल कमाई माइनस कर दो, पर क्या माइनस मत करो, बोरोइंग, बिना बोरोइंग के कमाई माइनस करो। क्लियर स्टूडेंट? तो अब सोच के देखो, बोरोइंग माइनस नहीं करी तो फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है, ऑलवेज बोरोइंग के। फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है स्टूडेंट, बोरोइंग के। जितना भी फिजिकल डेफिसिट होगा मतलब उतनी हमारी क्या होगी, बोरोइंग, मतलब उतना ही हमने बाहर से दुनिया से पैसा उधार पर लिया है। अब आप एक बात सोचो, अब आप एक बात सोचो कि हर बुक में अलग अलग फॉर्मूले नजर आते हैं, कोई कहता है कुछ फॉर्मूला है, कोई कहता है कुछ फॉर्मूला है। मैं कहता हूं कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला तो एक ही है। क्या एफडी का फॉर्मूला तो एक ही है स्टूडेंट? क्या टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, फॉर्मूला तो यही है। अब इसी चीज को लोग दो दो बार मतलब अलग अलग तरीके से लिख देते हैं। जैसे मान लो अब आपको मैं बताऊं तो टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ये क्या होता है भाई? जिसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट है वो क्या है, वो बजट डेफिसिट है। क्या मानेंगे उसे, बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट मैंने सिखाया था आपको, तीन डेफिसिट बताए थे, बैलेंस डेफिसिट, सरप्लस डेफिसिट और बजट डेफिसिट। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और इसके अंदर हमने बोरोइंग शामिल नहीं करनी। क्या नहीं करनी, बोरोइंग शामिल नहीं करनी। तो असल में ये माइनस टीआर यानी टोटल रिसिप्ट, यानी क्या होगा कि माइनस माइनस एसेट सोल्ड, और या और क्या होगा, माइनस बोरोइंग, लेकिन बोरोइंग शामिल हमने नहीं करनी। तो बोरोइंग माइनस जो हो चुकी है इसके अंदर बजट डेफिशिएट के अंदर तो माइनस है, वो प्लस कर दूंगा, प्लस बोरोइंग। तो कोई बुक ये फॉर्मूला दिखाती है, ठीक है। अब एक और तरीका देख लो कि अब अलग अलग कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, टोटल रिसिप्ट के अंदर रिवेन्यू रिसिप्ट है। लो जी, ये रिवेन्यू रिसिप्ट हो गई, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, एक और क्या हो गया, और इसके अंदर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट्स है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इसमें बोरोइंग शामिल नहीं करेंगे। तो इसी सेम बात को मैं तीन तरीके से लिख सकता हूं, बट बात सेम है कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर को हमने टोटल रिसिप्ट में से माइनस करना है ना, मतलब टोटल रिसिप्ट को टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करना है, पर क्या माइनस नहीं करना है, बोरोइंग माइनस नहीं करना है, बोरोइंग माइनस नहीं करना है। क्लियर है स्टूडेंट? तो फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट और एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। और एफडी हमेशा किसके बराबर होता है, बोरोइंग। जितना एफडी होगा मतलब फिस्कल डेफिसिट होगा उतना ही क्या होगी, इकोनॉमी के अंदर बोरोइंग, ठीक है। अब इम्प्लीकेशन कि अगर फिजिकल डेफिसिट होता है या कह लो बोरोइंग होती है तो क्या क्या नुकसान होता है, मतलब क्या क्या जगह इम्पैक्ट आता है इसका। पहला इम्पैक्ट तो आता है स्टूडेंट, लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर, लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। जाहिर सी बात है अगर डेफिसिट होगा उतनी ही हमने बोरोइंग करनी पड़ेगी, जैसे मैंने बताया एफडी इज इक्वल टू बोरोइंग, कि जितना डेफिसिट होगा उतना उधार लेना पड़ेगा, और उधार लेने से लोगों के पास ज्यादा रुपए जाएंगे, क्योंकि अगर सरकार उधार लेगी तो सरकार लोगों को ही तो देगी, तो ज्यादा रुपए जाएंगे, और ज्यादा रुपए जाएंगे तो भाई क्या कहते हैं, सबकी इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो महंगाई आएगी, महंगाई आएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा,
इन्फ्लेशनरी प्रेशर इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आएगी। क्लियर स्टूडेंट? दूसरी इंप्लीकेशन है इसकी कि आप उधार ले रहे हो, गवर्नमेंट उधार लेती है कई बार इंटरनेशनल सोर्स से भी, बाहर देश के बाहर से, दूसरे देशों से भी लेती है, तो ये क्या होगा, दूसरे देशों का हमारे पे थोड़ा दबदबा होगा, लीड टू फॉरेन डिपेंडेंसी, मतलब डिपेंडेंसी हमारी बढ़ेगी, हम थोड़ा सा निर्भर रहेंगे दूसरे देश के लोगों पर क्योंकि हमने उस पर उधार लिया है। एक होता है ना, अगर आप की आदत बन गई कि भाई उधार लेते रहे, तो हम जिससे उधार ले रहे उस पर थोड़ी आत्मनिर्भर हो जाते हैं कि यार पैसे कम पड़ेंगे तो उससे उधार ले लेंगे, फिर ले लेंगे, फिर ले लेंगे, तो फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ेगी हमारी, हम डिपेंड होने लग जाएंगे। और क्या होगा स्टूडेंट, हमारी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, फाइनेंशियल बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, और स्टूडेंट डेप्ट ट्रैप, डेप्ट ट्रैप मतलब क्या होता है, डेप्ट मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन, डेप्ट मतलब क्या होता है लॉन्ग टर्म लोन, उसका ट्रैप बढ़ेगा, ट्रैप मतलब जाल होता है, मतलब आप फंसते चले जाओगे इसके अंदर। कैसे फंसोगे, कि भाई सरकार आज इसको फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए बोरोइंग ले रही है, बोरोइंग कर रही है ना फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए, ठीक है ना, तो फिजिकल डेफिसिट को करने के लिए बोरोइंग कर रही है, तो फिजिकल डेफिसिट को करने के लिए बोरोइंग कर रही है। अब बोरोइंग का क्या है कि आज पैसे लिए फिर उस पर ब्याज देना पड़ेगा, फिर ब्याज चुकाने के लिए और पैसे लेने पड़ेंगे, तो धीरे 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 करके गवर्नमेंट मतलब ट्रैप में फंसती चली जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आज पैसे अगर लेंगे किसी से तो जाहिर सी बात है उसका ब्याज तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है, ब्याज तो उसका देना पड़ेगा, कल को उसका मूल भी चुकाना पड़ेगा, ठीक है, और कल को मूल चुकाना पड़ेगा तो परसों फिर फिस्कल डेफिसिट होगा, फिर हमें लेना पड़ेगा, और ये साइकिल ऐसी ही चलती रह जाएगी, ठीक है ना, एक डेब्ट ट्रैप में आदमी फंस जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये इसकी इम्प्लीकेशंस थी, ठीक है। और अब करते हैं कि इसके मेजर क्या क्या हो सकते हैं, अगर बोरोइंग की ज़रूरत पड़ रही है तो सरकार वो बोरोइंग या पैसे का जुगाड़ कहाँ से करती है, कहाँ से पैसे लाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग, पैसे लाना मतलब उधारी मांगना, उसको क्या बोलते हैं फाइनेंसिंग, पैसे उधारी मांगना फाइनेंसिंग, कि गवर्नमेंट फाइनेंसिंग का इंतजाम कहाँ से करती है, यानी फिस्कल डेफिसिट हुआ मतलब उतनी ही हमें बोरोइंग करनी है, यानी पैसा मांगना है तो पैसा मांगे कहाँ से, ठीक है ना, तो वो मेजर है फाइनेंसिंग ऑफ फाइनेंशियल डेफिसिट ना फिस्कल डेफिसिट, तो पैसा आए कहाँ से, इस फिस्कल डेफिसिट की पूर्ति करने के लिए पैसा आए कहाँ से, पैसा मांगे कहाँ से, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये है कि बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई से पैसा मांगती है गवर्नमेंट, सबसे पहले क्या अपनी कोई सिक्योरिटी गिरवी रख के उसके पास, जैसे कि ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, ये आप लोगों ने सीखे नहीं है, खैर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके नॉलेज में रहे, आने वाले कुछ कंटेंट्स में आप लोग ये सीखोगे, ठीक है ना, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी मनी, कमर्शियल पेपर, तो ये गिरवी रखवा के, सिक्योरिटी गिरवी रखवा के आरबीआई से पैसा लेती है, ठीक है, उससे क्या होता है मनी सप्लाई भी इंक्रीज होती है, ठीक है ना, मनी सप्लाई एक्सपेंड कह लेते हो, एक्सपेंशन मतलब बढ़ती है, या फिर कह सकते हो इंक्रीज होती है मनी सप्लाई, ठीक है। और किससे मांग सकता है ये, बोरोइंग, सरकार किससे पैसा मांगती है, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से भी बोरो करती है, ठीक है, अपना भाई बॉन्ड्स वगैरह कुछ इशू करने के बाद पब्लिक से भी बोरो करती है, क्या कहते हैं गवर्नमेंट, और कहाँ से बोरोइंग कर सकती है, बोरोइंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, बोरोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या है कि या तो किसी कम भाई बाहर किसी दूसरे देश से, फॉरेन कंट्री से, या वर्ल्ड बैंक से, या आईएमएफ से, ठीक है, यहाँ से कहीं से पैसा उधार मांगती है। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज हमने फिस्कल डेफिसिट समझा, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है इज इक्वल टू बोरोइंग, ठीक है, और भाई बोरोइंग की वजह से बहुत सारे हमें क्या कहते हैं इम्प्लीकेशंस भी होती है, जैसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं,
और इसको सुधारने के लिए हम पैसा कहाँ से मांग सकते हैं? हम मांग सकते हैं आरबीआई से, हम मांग सकते हैं पब्लिक से, और हम मांग सकते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस से। तो यहाँ से फिस्कल डेफिशिट की पूर्ति हो सकती है। ठीक है, ये हम लोगों ने आज टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राइमरी डेफिशिट को डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे कि प्राइमरी डेफिशिट होता क्या है। ठीक है, फिर इसके एक छोटे मोटे एक दो न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो खैर आते नहीं एग्जाम में, लेकिन कभी कभार आ भी जाए किस्मत खराब हुई तो। बाकी बिल्कुल ईजी है, उसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक दो न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे और फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। सो बाय बाय एंड टेक केयर।